एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक ही होंगे या फिर ठीक हो? आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत हॉट है और आजकल देश में वो बहुत चल रहा है, डेवलपमेंट। नहीं, मैं डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ रिया चक्रवर्ती की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रिया चक्रवर्ती की। जी हाँ दोस्तों, वही रिया चक्रवर्ती जिसने अमित शाह को एक लेटर क्या, पूरा का पूरा ट्वीट लिखा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सीबीआई जांच चाहिए अपने सुशांत के लिए। मैंने सोचा वाह भाई, कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी, अगर गर्लफ्रेंड ऐसी ना हो तो होते ही बिल्ली ठा लीजिए। दोस्तों जब हमने वो ट्वीट पढ़ा तो हमारे मन में ये आया कि वाह कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड है, कि इतना सोचती है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, उसके मन में इतना ज्यादा प्यार है कि वो अब सीबीआई जांच मांग रही है। हमारे मन में भी यही आया कि हाँ भाई, गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी होगी। भाइयों, जो रिया को गलत बोलते हैं ना, उनसे सिर्फ मुझे एक बात कहनी है, उसे गालियां मत दो। वो बहुत भोली लड़की है, बहुत ज्यादा भोली लड़की है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो बिल्कुल बेगुनाह है। आप लोग उसे गालियां क्यों दे रहे हो? आप उसे मीम्स क्यों, उसके ऊपर ऐसे ऐसे मीम्स क्यों बना रहे हो? वो व्हाइट सूट पहनती है, और व्हाइट सूट पता है कौन पहनते हैं? जो बिल्कुल भोली लड़की होती है, जो कभी झूठ नहीं बोलती, और उसने व्हाइट सूट पहनकर कभी झूठ बोला ही नहीं। वो इंटरव्यू दे रही है व्हाइट सूट पहनकर। हाँ, वो रिया के बारे में मैंने अच्छी अच्छी चीजें बोल दी है पब्लिक को गुमराह करने के लिए। अब तुम मेरे अकाउंट में 3,51,00,000 रुपए डाल दो, और अकाउंट नंबर लिख लो 91,92,93, और मेरे अकाउंट में 3,00,00,000 रुपए ट्रांसफर कर दो रिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए। यही चल रहा है। मैंने सुना है कि रिया के वकील ने जी न्यूज को खरीदने का प्रस्ताव भी रखा। अरे इतना पैसा है रिया के वकील के पास, थोड़ा बहुत यहां भी ट्रांसफर कर दो, एक रेंज रोवर ही खरीद लेंगे। अब तुम क्या सोच रहे हो, मैं ये बताऊंगी कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किसने किया, कौन कौन इस गुनाह में शामिल है? दोस्तों लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी, मैं ये बताने आई हूं कि रिया की असलियत क्या है। रिया इतनी भोली लड़की, उसको क्यों फंसाया जा रहा है? क्या यही सोच रहे हो कि क्या बोल रही हूं मैं, रिया इतनी भोली है? चलो वो तो पुलिस और टाइम ही बताएगा, आगे की सुनते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती, ना ही आप लोग इल्जाम लगा सकते हैं कि वो ऐसी है, जब तक कोर्ट उसे गिल्टी प्रूफ ना करवा दे। चाहे वो रिया का भतीजा हो, चाहे वो रिया का भांजा हो, या फिर रिया का कोई खानदान हो, या रिया का भाई हो, या खुद रिया दीदी हो। अब रिया दीदी पे आते हैं, रिया दीदी पे इल्जाम लगा कि उसने 15,00,00,000 रुपए सुशांत के अकाउंट से चोरी कर लिए, लूट लिए, सुशांत को लूट लिया। उसके भाई ने खुद उसे बोला कि जो रिया का खर्चा आया वो सारा एसएसआर के अकाउंट से होता था। अब जो रिया की पीआर टीम है वो रिया के ऊपर पैसे उड़ा रही है कि किसी भी तरह रिया इनोसेंट प्रूफ हो जाए और उसकी इमेज बिल्कुल क्लीन हो जाए। लेकिन इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। क्या हाथ लगेगा? कुछ भी नहीं। अब एक धब्बा जो है वो लग चुका है बॉलीवुड के नाम पर, वो लग चुका है रिया चक्रवर्ती के नाम पर कि उसने किया है, और वो ड्रग केस में हुआ, चाहे वो ड्रग केस में हुआ है या फिर सुशांत के मर्डर से। और मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा, रिया और रिया के भाई के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। अगर उससे कोई 20 रुपए भी मांगेगा ना, तो वो ये बोलेगी, मैं गरीब हूं, मुझे गरीब परिवार में जन्मा है, सुशांत मेरा सब कुछ था। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रही हूं, लेकिन ये सच्चाई है। पीआर टीम ने इतने पैसे तो लगा दिए कि रिया की इमेज क्लीन हो जाए, लेकिन अगर रिया दीदी को थोड़ा सा इंटरव्यू देना सिखा देते, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा उसको एक्टिंग स्किल्स ही सिखा देते, तो शायद वो बच जाती। लेकिन उसे इंटरव्यू स्किल्स, उसे एक्टिंग करना तो सिखाया ही नहीं किसी ने, तो वो कहां से बच जाती? रिया को डायलॉग बोलने तो आते नहीं है, इंटरव्यू में बैठी है वो व्हाइट सूट पहन के और सफेद झूठ बोल रही है, सफेद सूट और सफेद झूठ। वो सोचती है कि मैंने व्हाइट सूट पहन लिया तो मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भोली लड़की हूँ, अब मुझे पहना दो व्हाइट सूट तो क्या पता मैं सच बोल रही या झूठ बोल रही। ऐसा थोड़े ना होता है कि किसी को व्हाइट सूट पहना दिया तो वो भोली होगी बिल्कुल। अब तो टाइम और पुलिस ही बताएगी कि रिया को एक्टिंग जेल से आने के बाद सिखाई जाती है या जेल में सिखाई जाती है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगी कि इतना पैसा मत लो किसी का, इतना पैसा मत लूटो किसी का कि बाद में आपकी भी ये हालत हो जाए। और जो बालक ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको भी मैं यही कहूंगी, अपनी बाबू सोना मोना के 250-250 रुपए वाले रिचार्ज करवाना बंद करो। उनके 250-250 रुपए वाले रिचार्ज तुम अब करवा दोगे, उसके बाद वो 1-1.5 लाख रुपए लेके तुम्हारी फरार। तो बाबू सोना मोना वाले भी इस वीडियो को जरूर देखे और
मैं यही गुजारिश करती हूँ कि अपनी गर्लफ्रेंड्स के, अपनी जान की, अपनी बाबू सोना के 250-250 रुपए वाले रिचार्ज करवाना बंद करें, ताकि आपको भी आगे जाके ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं रिया को ब्लेम करूं, लेकिन जो असलियत है वो असलियत है। इसलिए किसी को उतना भी दुख मत दो कि बाद में उसको पछतावा करना पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? कुछ मत करना, मजाक, बस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना मैं अगली रोस्ट वीडियो किस पर बनाऊं। थैंक यू।